रिपब्लिकन पार्टी के नेता और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमले की खबर ने दुनिया को हिला दिया। ट्रंप पर हमला उस वक्त हुआ जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। गोली ट्रंप के कान को छूकर निकली। हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने बताया कि ट्रंप पर करीब 400 फीट दूर मौजूद इमारत की छत से फायरिंग की गई। AR-15 राइफल से 8 राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध शूटर मारा गया जिसकी उम्र 20 साल के आसपास थी। अब तक हमले के मकसद की जानकारी नहीं है। मैथ्यू क्रूक्स जो कि हमलावर बताया जा रहा है उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल जरूर है लेकिन इस तस्वीर की पुष्टि अभी तक किसी भी अमेरिकी एजेंसी की तरफ से नहीं की गई है। चलिए जानते हैं कौन है ट्रंप पर हमला करने वाला शख्स। हमलावर का नाम है थॉमस क्रूक्स। थॉमस क्रूक्स की उम्र थी 20 साल। बटलर से 40 किलोमीटर दूर बेथल पार्क में थॉमस क्रूक्स का घर है। क्रूक्स रिपब्लिकन पार्टी से ही जुड़ा हुआ था जिससे ट्रंप हैं। 2021 में डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े ग्रुप को भी उसने चंदा दिया था। क्रूक्स को 2022 में मैथ्स साइंस से जुड़ा स्टार अवार्ड भी मिला था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप पर AR-15 असॉल्ट राइफल से हमला किया गया। अमेरिका में 18 साल के बाद कोई भी शख्स गन और राइफल खरीद सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक इस साल फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने गन लॉबी को सपोर्ट किया था। एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते तो गन पर लगाए गए बाइडेन प्रशासन के बैन को हटा देते।